हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है कन्नड़ा क्लास में। आज हम लोग कन्नड़ा में बातें करेंगे किस चीज की, जब पहली पहली बार हम लोग मिलते हैं और किसी के बारे में जानने की इच्छा होती है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम ठीक ठाक हो ना, मैं तो यहाँ रहता हूँ, अपने बारे में बताने की इच्छा है, उनके बारे में जानने की इच्छा है, तो कैसे बातें करेंगे कन्नड़ा में, आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आप स्टेप बाय स्टेप कन्नड़ा सीखना चाहते हैं, कन्नड़ा के तो बहुत सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे, पता नहीं चल पा रहा है, तो फ्रेंड्स यदि आप स्टेप बाय स्टेप कन्नड़ा अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमारा ऐप भी आ चुका है दीपा डायरी, साथ ही साथ edu.deepadiary.com हमारा वेबसाइट पहले से है। तो फ्रेंड्स आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सीख सकते हैं, वीडियो के अंदर में उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, 25-30 वीडियोज हैं, बस उतना काफी है जानने के लिए। 25-30 वीडियो देख करके ही आप कन्नड़ा पे पूरी पकड़ पा सकते हैं 25 वीडियो से ही। तो फ्रेंड्स सभी वीडियो में, वीडियो के अंदर वीडियो है, साथ ही साथ डेली कन्वर्सेशन है, गाना है, ताकि हंसते खेलते कन्नड़ा पे पूरी पकड़ पाई जा सके। तो आज हम लोग बातें करेंगे सबसे पहली पहली बात, जब हम लोग मिलते हैं बातें करते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे बातें करेंगे, शुरू करें। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स, तुम्हारा या आपका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स वन बाय वन देखते हैं। यदि हमें बोलना है तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा के लिए जानना है निम्मा, नाम के लिए हेसरू, क्या के लिए एनु, एनु एनु मतलब क्या, एनु हेसरू, हेसरू मतलब नाम, नाम क्या, हेसरू एनु नाम क्या। यदि पूरा बोलना है तुम्हारा नाम क्या है, तो निन्ना, निन्ना हेसरू एनु, तुम्हारा नाम क्या है, निन्ना हेसरू एनु, तुम्हारा नाम क्या है। यदि कोई बड़ा है तो तुम्हारा तो नहीं बोलेंगे ना फ्रेंड्स, फिर क्या बोलेंगे, आपका, आपका के लिए हमें बोलना है निम्मा, निम्मा। फ्रेंड्स इस चीज को याद रखिए, ठीक है, निम्मा आपका के लिए होगा। फिर सेम, आपका नाम क्या है, निम्मा हेसरू एनु, छोटा है तो निन्ना हेसरू एनु, निन्ना हेसरू एनु, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, निम्मा हेसरू एनु, आपका नाम क्या है। यदि कहना है मेरा नाम दीपा है, मेरा, तो मेरा के लिए होता है फ्रेंड्स नन्ना, इस चीज को तो मन में बिठा लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, नन्ना, नन्ना मेरा, निन्ना तुम्हारा, निम्मा आपका, नन्ना निन्ना निम्मा, ठीक है, नन्ना सेम फिर वैसे, नन्ना हेसरू दीपा, मेरा नाम दीपा है, ठीक है, निम्मा हेसरू एनु, फटाफट टाइप करके बताइए, निम्मा हेसरू एनु, आपका नाम क्या है, नन्ना हेसरू दीपा, मेरा नाम दीपा है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यदि हमें कहना है मेरा, तो मेरा के लिए तो यहाँ पे नन्ना हो गया, हो गया नन्ना, लेकिन फ्रेंड्स यह मेरा है, यहाँ पे नन्ना का प्रयोग नहीं करेंगे, तो नन्ना के लिए फ्रेंड्स, नन्ना के लिए ननंदु, नंदु, ये सब शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को याद रखिए, ठीक है ना। मेरा के लिए तो नन्ना तो हो गया नाम के लिए, लेकिन सामान के लिए जब पढ़ेंगे तो ननंदु या नंदु, ठीक है ना, ननंदु या नंदु। इदु पेन नंदु, यह पेन मेरा है, अदु नंदु वह मेरा है, इदु नंदु यह मेरा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा के लिए नन्ना तो साथ रहेगा ही, साथ ही साथ ननंदु या नंदु दोनों का प्रयोग करेंगे, यह मेरा है, इदु नंदु या इदु नंदु। अब बात को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, यदि हमें कहना है क्या हाल है, कैसे हैं, किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं ना, क्या हाल है जी, कैसे हैं, पूछना है ना, क्या हाल, क्या के लिए वर्ड क्या था, एनु, क्या हाल है, एनु विशेषा, एनु विशेषा, एनु विशेषा क्या हाल है। तो फिर बीच बीच में आप स्क्रीन शॉट भी लेकर करेंगे, क्योंकि कभी भी बाद में यदि वर्ड माइंड में क्लिक ना करें तो फटाफट स्क्रीन शॉट देखिए और याद आ जाएगा, ठीक है ना, उसे डिलीट मत करिए, वन मंथ तक उसे डिलीट मत करिए, ठीक है ना। एनु विशेषा, क्या हाल, कैसे हैं, हे गिदिरा, कैसे हैं, हे गिदिरा, चेन्नई गिदिरा भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स,
कैसे हैं चिनागी दिरा, कैसे हैं हेगी दिरा। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज का तो ऐसा है ना कि देखिए बैंगलोर में कुछ अलग तरह से बोलते हैं, मैंगलोर में कुछ अलग तरह से बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर्नाटका में ना बहुत जल्दी जल्दी जो है ना भाषा बदलती चली जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ध्यान से देखिए, हेगी दिरा का प्रयोग करते हैं, चिनागी दिरा का प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं। पहले दिन से ही बोलने मत लग जाइए, एक दो दिन ऑब्जर्व करिए कहाँ पे कैसे बोलते हैं लोग, और फिर उसी के आधार पर वैसे ही शब्द का प्रयोग आप करिए। ठीक है, चलिए तो कैसे हैं हेगी दिरा या फिर चिनागी दिरा, ठीक हूँ ठीक हूँ, चिनागी दिनी या फिर चिनागी देने। ये भी फ्रेंड्स आप देखिए वहां पे किस तरह से लोग चिनागी दिनी का प्रयोग करते हैं या चिनागी देने का प्रयोग करते हैं, तो आप उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करिए। ठीक हूँ चिनागी देने, ठीक हूँ चिनागी देने। ठीक है, आगे और पूछना है, आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है। घर के लिए क्या है, मने, घर के लिए है मने। आपका, आपका के लिए क्या था अभी जस्ट बताइए, निम्मा निम्मा निम्मा। आपका घर मने कहाँ है, एल्लिदे 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 कहाँ है, निम्मा मने एल्लिदे। आपका घर कहाँ है, यदि फ्रेंड्स यदि मैं कहना होगा तुम्हारा घर कहाँ है, पूछना है तुम्हारा, तो जो हम लोग निम्मा बोले उसे घर निम्मा बोल देंगे, निन्ना मने एल्लिदे। तुम्हारा घर कहाँ है, निन्ना मने एल्लिदे। तुम्हारा घर कहाँ है, निम्मा मने एल्लिदे। आपका घर कहाँ है, ठीक है चलिए, हमारा घर समता नगर में है, हमारा घर समता नगर में है, तो फिर बोलेंगे नम्मा मने नम्मा हमारा। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग मेरा के लिए क्या पढ़े थे, मेरा के लिए क्या जाने थे, मेरा के लिए नन्ना था, नन्ना और नम्मा है हमारा के लिए, हमारा। नन्ना न की जगह पे म लग गया, लास्ट वाले न की जगह पे म लग गया, तो नम्मा नम्मा मतलब हमारा, मने घर, नम्मा मने हमारा घर। मेरा घर रहेगा तो क्या बोलेंगे फिर, नन्ना मने, नन्ना मने नम्मा मने। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लिखते जाइए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। न के जगह फिर लास्ट में न के जगह म आ जाएगा, ठीक है ना, नाना जो है मामा बन गया, तो समझ जाइए हमारा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो नाना है निन्ना मामा बन गया, तो आपका, ठीक है ना। प्लुरल और बहुवचन प्लुरल के लिए बनाने के लिए न के जगह पे म का लास्ट में म का प्रयोग करते हैं, इस चीज को याद रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा घर संता नगर में है, हमारा घर संता नगर में है। नम्मा मने संता नगर, तो संता नगर रहेगा, संता नगर नल्ली दे में के लिए संता नगर में है। नम्मा मने संता नगर नल्ली दे, नम्मा मने संता नगर नल्ली दे, नम्मा मने संता नगर नल्ली दे। कैसा बोलेंगे फ्रेंड्स, नम्मा मने हमारा घर जहां भी रहेगा, ठीक है ना, संता नगर में है तो संता नगर, नम्मा मने संता नगर नल्ली दे, नल्ली दे मतलब में है, इदे मतलब है, ठीक है। यदि फिर पूछना है आपका कहाँ है, आप कहाँ से हैं, यदि ऐसा पूछना है आप कहाँ से हैं, आपका कहाँ है, तो इसे बोलेंगे फ्रेंड्स आपका। आपका के लिए क्या था, आपका मतलब निम्मा निम्मा। आप कहाँ से हैं, ठीक है ना, ये तो घर मान लीजिए अभी रहते हैं, ठीक है ना। यदि बोलना है कि आप कहाँ से हैं, मतलब आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, तो नेटिव प्लेस को बोलते हैं उरु उरु, निम्मा उरु, यावादु कहाँ है, कहाँ से हैं, निम्मा उरु यावादु, निम्मा उरु यावादु, मतलब आप कहाँ से हैं, आपका नेटिव प्लेस क्या है, ठीक है ना। निम्मा उरु यावादु, उरु मतलब नेटिव प्लेस के लिए, ठीक है ना, आप कहाँ से हैं। यदि हमें बोलना है मैं रामानुजगंज से हूँ, मैं रामानुजगंज से हूँ, फ्रेंड्स ऐसे बोलना है तो बोलेंगे नानू, मैं रामानुजगंज इदा बंदी दिनी, मतलब मैं रामानुजगंज से हूँ, बंदी दिने भी बहुत जगह बोलते हैं, तो आपको फिर वहां ध्यान रखना है बंदी दिनी ज्यादातर जगह बोलेंगे, ठीक है ना। नानू रामानुजगंज इदा बंदी दिनी, नानू रामानुजगंज प्लेस का नाम, इंदा बंदी दिनी मतलब मैं रामानुजगंज से हूँ, नानू रामानुजगंज इंदा बंदी दिनी, मैं रामानुजगंज से हूँ। बातें बहुत हो गई ना फ्रेंड्स, अब यदि हमें बोलना है कल मिलेंगे,
फिर से, ठीक है ना, मिलना अच्छा लग रहा है, बातें करना अच्छा लग रहा है, बातें करते करते हम लोग अच्छा से कल्ला पे पकड़ भी पा रहे हैं, फिर बोलना है कल मिलेंगे, कल मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, नाले शिगोना, क्या बोलेंगे, नाले कल शिगोना मिलेंगे, नाले शिगोना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, मिलने का मन हो रहा है ना, बिल्कुल मिलेंगे फ्रेंड्स, कल मिलेंगे, जब मौका मिले जरूर मिलेंगे, आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।